हाय इट्स कुशाल। तो स्वागत है आप सभी का एक और विस्फोटक और झन्नाटेदार वीडियो में। और भाई साहब गारंटी दे रहा हूँ ना कि वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते अगर आपके चेहरे पे मुस्कान और मुंह से वाह ना निकाल दिया ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो मेरे दोस्त आज मैं आपको लेकर चलता हूँ कलाकारी की दुनिया में, जहाँ पे बहुत सारे छुपा रुस्तम कलाकारों ने अपनी बेहतरीन कलाकारी से हमारे कॉलेज के गलियारों को रंगीन कर दिया है। तो ये रहा आपके सामने आर्टिस्ट का तहखाना, जहाँ पे सैकड़ों पेंटिंग ने अपना कहर जमाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे सुसज्जित पेंटिंग्स और डिजाइन आपको जितना आकर्षक और मनमोहक रहे हैं ना, इनको बनाने में उतना ही मशक्कत और कठिनाइयां लगी हैं। इनके दीदार करने में भले ही आपको कुछ क्षण ही लग रहे हैं, मगर इनको ऐसा स्वरूप देने में कई दिनों का संघर्ष लगा है। बहुत सारे सीनियर भाई और दीदियों ने दिन रात हम जूनियर के साथ मिलकर बड़े ही संयम, बारीकी और लगन के साथ इस मुकाम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। मेरे दोस्त अब आपके भी दिलो जहन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि यार तुमने भी कुछ बनाया है कि नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ ना, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ कि पूछो ही मत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब कलाकारी आरंभ हो रही थी तो सारे कलाकारों का एक डेमो लिया जा रहा था, सबने खूब बेहतरीन बेहतरीन कलाकारियां की, मगर जब मेरी बारी आई तो भाई साहब मैंने ऐसा पलंग तोड़ पेंटिंग तैयार किया ना कि सारी दुनिया भावुक हो गई, जजेस आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक भाई मुझे साइड में ले गए और बोले कि यार तू पार्टिसिपेट ना कर, वरना तुझे फर्स्ट रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा मगर भैया मुझे अपने अंदर के छुपा रुस्तम कलाकार को बाहर निकालना है। तो भैया ने कहा जल्दी वहां से हटो। उसके बाद मेरे सारे बैचमेट मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे कि यार कुशाल कुछ टिप्स वगैरह मुझे भी दे दो यार। फिर मैंने उनको भी थोड़ा सा ज्ञान दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाया। तो गाइज आपको यहाँ पे सैकड़ों पेंटिंग्स दिख रही होंगी और सारे पेंटिंग्स पे बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम भी लिखा होगा, मगर उनमें से बहुत सारी पेंटिंग ऐसी हैं जिन पे आर्टिस्ट ने अपना नाम नहीं लिखा है। वो बहुत ही छुपा रुस्तम आर्टिस्ट है, उसका नाम के से स्टार्ट होता है, उसे आप सभी जानते हैं। तो गाइज उस आर्टिस्ट का नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समंदर है। अब समंदर का नाम लेते ही एक शायरी याद आ गया मुझे, गौर फरमाइएगा कि समंदर है जनाब हमें खामोशी रहने दो, हम समंदर है जनाब हमें खामोशी रहने दो, जरा मचल गए तो पूरा शहर ले डूबेंगे। खैर सारी छोड़िए, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस ये समंदर और उसके किनारे पे उपस्थित रेत का दृश्य है, और आप देख सकते हैं कि रेत पे कितने सारे मगरमच्छ घूम रहे हैं। तो भाई साहब किनारे से दूर रहिए वरना मगरमच्छ चपेटे में ले लगा आपको। अरे बबुआ तुमको मगरमच्छ कहाँ से लग रहा है जी, ये मगरमच्छ नहीं खरगोश है। मगर चचा हमको तो मगरमच्छ ही लग रहा है, क्या की खरगोश सफेद होता है। छी 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 छी, कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग, ये नहीं मगरमच्छ है नहीं खरगोश है, एक कछुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ दर्शक बंधु, ये मगरमच्छ नहीं कछुआ है। अब आप भी परेशान हो चुके होंगे कि कितना बोलते हैं यार, थोड़ा ब्लॉग भी एंजॉय करने दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस वीडियो का कौन सा एलिमेंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं क्योंकि आप बिना बोले ही कर देते हो। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, शीघ्र ही मुलाकात होगी।